हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, करवा चौथ का दिन है और पति अब अपनी पत्नी से बड़े प्यार से कह रहा है, आज करवा चौथ का दिन है, आज हम तुमको संवारेंगे, देख लेना तुम गगन का चांद, मगर हम तुमको निहारेंगे, तुम्हारा साथ देंगे उम्र भर, हमें भी मझधार में मत छोड़ना, आज चलनी से कनखियों से देखना और फिर ये व्रत अनोखा तोड़ना, है भले पूजा तुम्हारी ये आरती हम भी उतारेंगे, पार्वती शिव की सघन आराधना आज इनके पुण्य फल से मृत्यु से भी नहीं हारेंगे। बोलिए करवा चौथ माता की जय। दोस्तों, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ का अर्थ कितने लोग जानते हैं? करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और करवा चौथ ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं जिस करवा चौथ का व्रत रखती है, ये करवा नाम की एक धोबन के नाम पे पड़ा है। करवा इतनी बहादुर महिला थी कि उसने मगरमच्छ के मुंह से अपने पति की जान बचाई थी और इसी से खुश होकर यमराज ने करवा को उसके पति के दीर्घ आयु होने का वरदान दिया था। इसके साथ ही ये भी कहा था कि जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत रखेगी उसको सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को रखने का अधिकार होता है। सभी जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो साल भर बड़े जोर शोर से इस दिन का इंतजार करती है और आजकल तो बड़े लार्ज स्केल में मनाया जाने लगा है, एक महीने पहले से ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। कहीं कहीं तो पति पत्नी आपस में उपहार आदि भी देते हैं और जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनके तो चाव को देखते ही बनता है। जिन लड़कियों की सगाई हो चुकी है वो भी इस व्रत को जरूर रखें और करवा चौथ व्रत के दिन जहां एक ओर कथाओं का दौर चलता है, वहीं दूसरी ओर दिन ढलते ही सभी शादीशुदा लड़कियों की, उनके उनके पतियों की भी नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपने उपवास को खोलती हैं। दोस्तों, सुहागनों का ये पवित्र त्योहार, ये प्यारा सा त्योहार कैसे किया जाता है, कैसे करवा चौथ की पूजा की जाती है, किन किन चीज़ों की, बड़ी आसान सी चीज़ है, इनकी आवश्यकता होती है, किन सामग्रियों की क्या सावधानियां रखनी है, वो मैं आज आपको सारा फटाफट बता देती हूँ। जो भी लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। करवा चौथ का व्रत सुहागनों के लिए बहुत खास होता है और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और इस दिन व्रत रख करके भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा होती है। खासकर गणेश चतुर्थी होता है, इस दिन गणपति की और गौरी माँ की पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। महिलाएं सुबह सुबह सरगी खाती है जिसे उनकी सास बना करके देती है और फिर सीधा रात को चंद्रमा को अर्घ दे करके ही कुछ खा पी सकते हैं। करवा चौथ में सरगी का एक अपने आप में बहुत अलग महत्व होता है। कुछ फैमिलीज में नहीं भी देते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी सरगी की तैयारी खुद कर लें और सुबह आपको थोड़ा सा कुछ ले करके फिर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सरगी के रूप में व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को जो कुछ मिठाइयाँ, कपड़े, श्रृंगार का सामान देती है और सूर्य उदय होने से पहले लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपनी व्रत की शुरुआत करती है। इसके बाद पूरा दिन का उपवास करते हैं और चांद निकलने पर ही व्रत को खोला जाता है। सरगी में मिठाई, मठरी, सूखे फल, नारियल, मेवे आदि दिए जाते हैं। करवा चौथ का व्रत किसी किसी के लिए परेशानी युक्त भी हो सकता है, इसलिए इस दिन, क्योंकि इस दिन पूरे दिन पानी ग्रहण किए बिना रहना पड़ता है, इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने स्वास्थ्य को देख लें कि अगर अच्छा है तो ठीक है और नहीं तो सुबह सुबह ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि नट्स इस दिन खर्च होने वाली ऊर्जा का प्रतिपादन करने में सक्षम होते हैं। जो भी करवा चौथ की पूजन के व्रत की सामग्री है उसको आपको एक दिन पहले ही इकट्ठी करके रख लेनी चाहिए ताकि अगले दिन आप थके नहीं और परेशानी ना हो, सज धज के गुड़िया की तरह आप पूरे दिन इस दिन को निकाल सकें।
आपको क्या क्या लेना है? दो मिट्टी का टोटीदार करवा लेना है। अगर नहीं मिलता है आपके पास तो दो ग्लास ले लें। इनको ढकने के लिए ढक्कन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मिट्टी का ढक्कन नहीं मिलता है, मिट्टी के टोटेदार करवे नहीं लेते हैं, तो गिलास और कटोरी आपको ले लेनी है। करवा चौथ माता की फ़ोटो ले लें, और या फिर आप एप्पन यानी कि आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिला करके एक पेस्ट जैसा बना लें, उससे आप ये मांडना कर सकते हैं। करवा चौथ कथा की किताब या फिर जहाँ से भी आप करवा चौथ की कथा सुनना चाहते हैं वो अपने पास रख लें। इसके बाद एक चौकी या पाटिया ले लें जिस पर आप सारी चीज़ें विराजमान करेंगे। उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा ले लें और एक जल का लोटा ले लें, थोड़ा सा कलावा ले लें। करवा भरने के लिए गेहूं और चीनी या शक्कर का बूरा रखना है आपको, करीब करीब एक पाव जैसा ले लें। 13 बिंदी का एक पत्ता या फिर आप चाहें तो रोली से 13 बिंदियाँ बना सकते हैं। रुपया थोड़ा सा पैसा ले लें दक्षिणा आदि के लिए। छलनी ले लें कांटे वाली, जिससे आप चांद का भी दर्शन करेंगे और अपने पति के भी दर्शन करेंगे। चंदन, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, दो दीपक आपको रखने हैं, एक माता के सामने जलाने के लिए और एक रात को पति का चेहरा देखने के लिए। रुई की बाती ले लें, घी ले लें, कपूर, इलायची, अगरबत्ती ले लें, फल फूल ले लें, मिठाई ले लें, और 8 पूरियों की अठावरी बनाई जाती है और हलवा बनाया जाता है प्रसाद के तौर पर, वो ले लें। नहीं तो आप कोई भी मिठाई आदि ले लें। 13 जगह आपको मिठाई चाहिए कम से कम, ये बात का ध्यान रखें। 16 श्रृंगार का सामान ले लें, उसमें साड़ी, ब्लाउज, सिंदूर, काजल, मेहंदी, महावार, कंघी, तेल, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, पायल, बिछिया, मांग टीका, गहने आदि जो भी आप लेना चाहें 16 श्रृंगार का सामान ले लें। दक्षिणा दान के लिए पैसे थोड़े से जरूर रख लें। अब जिस दिन करवा चौथ हो उस दिन सुबह सुबह 4 बजे जैसे मैंने बताया, उस दिन उठ करके आप अपना सरगी आदि ले लें। और इसके बाद इस दिन देर से नहीं उठना चाहिए। इसका शास्त्रीय कारण तो ये है कि देर से उठने से सेहत खराब होती है, जो भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन सुबह सुबह आप जल्दी उठेंगे तो पूरा दिन आपको त्यौहार का मिलता है, बहुत मज़ा आएगा, आप पूरे दिन को यूटिलाइज कर सकेंगे त्यौहार को मनाने में। वरना अगर आप देर से उठेंगे तो पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। सबसे पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प करें, और स्नान करने के बाद पहले आप 16 श्रृंगार जरूर कर लें। इससे आपका सौंदर्य बढ़ता है, पति की, आपके सुहाग की उम्र बढ़ती है। ये जो व्रत होता है ये आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस दिन पूजा के समय आप अगर हो सके जो एटलीस्ट जो नवविवाहित महिलाएं हैं वो अपने शादी का जोड़ा पहने, बाकी लोगों को भी भारी वस्त्र, सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। जोड़ा ना पहन सके तो भी लाल रंग की साड़ी या लहंगा चुन्नी आदि पहनना अच्छा माना जाता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसी रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए। फिर एक पाटिए पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर करवा चौथ माता की तस्वीर को स्थापित करें। अगर आप चाहें तो दीवार पर या किसी कागज़ पर इन सभी के चित्र बना करके पूजा कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कुछ लोग एप्पन यानी आटे में हल्दी पानी मिलाकर चित्र आंकते हैं, उस तरीके से करें। इसके बाद गणपति की चाहे सुपारी से गणेश जी बना के करें, या फिर आप नॉर्मल गणेश जी की आपके पास मूर्ति है तो उनको स्थापित करके, और पार्वती माता का रूप बना करके, या फिर मिट्टी से बना लें पार्वती माता को, या फिर आपके पास मूर्ति है तो वो लेकर के आपको गौरी और गणेश की इस दिन परंपरा अनुसार यानी कि पंचोपचार आपको पूजा करनी है। पति की दीर्घ आयु की कामना करें, उनको तिलक करें, धूप दीप करें, उनके सामने मोगरा, चंदन आदि की अगरबत्ती जलाएं, घी के दीप जलाएं, और फिर पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए नमस्ते शिवाय शर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभा प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारीणाम हर वल्लभे, इस प्रकार से बोलते हुए आपको माता से प्रार्थना करनी है। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम षणमुखाय नमः, और फिर ओम गणेशाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको सभी की पूजन करनी है। और फिर पाटे पर जो पाटिया आपने लिया है उस पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर थोड़ा सा हलवा या मिठाई रखें और 13 दाने गेहूं के रखें। इसके पास में जल का लोटा रखें, एक मिट्टी का करवा ले लें और उसको गेहूं से भर दें। अब उस पर एक सिकोरी या ढक्कन रखें, उस पर चीनी या गुड़ रखें। 13 बिंदी आपको रखनी है, 13 बिंदी नहीं है तो आप इसे कुमकुम से या रोली से उस पर 13 बिंदियां अंकित कर दें। फिर आप मौली बांधें, और फिर दूसरे करवा जो आपके पास है उसको भी आप इसी प्रकार रख दें।
जिनको करवा नहीं मिलता है वो गिलास में करें, पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरे करवे को भी इसी तरह से आपको करके रख देना है। जो लोग को गेहूँ नहीं मिलता है, अगर गेहूँ ना मिले या किसी कारणवश भूल गए हैं तो टेंशन ना लें, मन में वहम विचार ना रखें, चावल ले लें और फिर चावल को आप गेहूँ की जगह इसी तरह से इस्तेमाल करें। इसको स्थापित करने के बाद करवे को भी थोड़ी सी पूजन कर ले और फिर 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर के करवा चौथ की कथा सुने या सुनाए। इस दिन करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा करने का होता है उतना ही महत्व कथा सुनने का भी होता है। बहुत सी लेडीज ऐसे होते हैं कहते हैं कि कथा सुनने से क्या होगा, इसी वजह से वो कथा में ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको बता दूं ये गलत है। इस त्यौहार में जितना जरूरी व्रत और पूजन करना है उतना ही जरूरी कथा सुनना भी है। इसलिए सभी महिलाओं को पूजा करते समय ध्यान से कथा जरूर सुननी चाहिए। जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं मैं वीडियो के एंड में सुनाऊंगी, वो सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद करवा जो आपने रखा था उस पर कुमकुम और चावल छींटे। हम बायना निकाल रहे हैं तो बायना कैसे निकाला जाता है वो बता देती हूँ। थोड़े से कुमकुम ले लें और थोड़े से चावल ले लें, उस पर छींटे और फिर अपने पल्लू को हाथ में लेकर के 7 बार करवे पर घुमा दें और फिर उस करवे को अपनी सासू माँ को पैर छू करके दे दें और उनका आशीर्वाद लें। यानी कि हम सासू माँ को बायना भेंट कर रहे हैं। अगर आपकी माता जी ने भेजा है तो वो दे दें, नहीं तो आपको घर पर बायना जरूर बनाना चाहिए। जिस तरह सास अपनी बहू को सरगी देती है उसी तरह से बायना माँ और बेटी से जुड़ा हुआ रस्म है। शाम को चौथ माता की पूजा करने के पहले अपनी बेटी के घर मिठाई तोहफे ड्राई फ्रूट्स आदि भेजें और इसको माया कहा जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। ध्यान रखें बाया या बायना जो भी हम कहते हैं पूजा शुरू होने से पहले ही आपको अपनी बेटी के घर भिजवा देना चाहिए। पति की माता यानी कि आपकी सासू माँ अगर जीवित ना हो तो उनके तुल्य किसी भी दूसरी स्त्री को ये बायना आप भेंट कर सकते हैं। जो दूसरे करवे में आपने गेहूं भर के रखा था वो किसी मिश्रानी को गरीब को या ब्राह्मण को आपको दान कर देना है। और करवा की पूजा एक साथ बहुत सी औरतें इकट्ठी होकर के करती हैं, व्रत की कथा सुनती हैं, ऐसे में आपको पूजा करने के बाद चौथ के गीत और भजन जरूर गाने चाहिए। करवा चौथ पर इसका बहुत बहुत महत्व होता है। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जो 13 दाने आपने हाथ में लेकर के गेहूं के कथा सुनी थी उसको और पानी का जो लोटा है या फिर टोटीदार करवा आपने ले रखा है तो उसको आपको अलग रख देना है। फिर आपको शुरू होता है चांद का दीदार। लंबा इंतजार, कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करें और चांद का इंतजार करें। रात में जब चांद निकले तो उनको प्रणाम करें और फिर छलनी की ओट से उसे देखें और फिर जो कहानी सुन करके 13 दाने गेहूं के आपने रखे थे उससे आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। रोली चावल हलवा पूरी गुड़ आदि चढ़ाएं और चंद्रमा को देखें। इसके बाद पति का चेहरा छलनी में दीपक रख करके आपको देखना चाहिए। एक दूसरे को प्यार और आशीर्वाद दें। घर वालों और पति के साथ मिलकर के भोजन करें और कराएं, फिर स्वयं भोजन आप जरूर कर लें। यूजुअली क्या होता है शादी के बाद 12 या 16 साल तक लगातार इस उपवास को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी आप इस उपवास को रख सकते हैं। फिर अगर श्रद्धा शक्ति ना हो तो व्रत का उद्यापन कर लें। करवा चौथ के उजमन में एक थाल में उद्यापन कैसे करती हूँ विधि बता देती हूँ। 4-4 पूड़ियाँ रख लें, उसके ऊपर सूजी का हलवा रखा जाता है 13 जगह, इसके ऊपर साड़ी ब्लाउज और रुपया रखा जाता है। हाथ में थोड़े से रोली चावल लेकर थाल के चारों तरफ घुमा दें और फिर ये बायना सास को या उनके समान जो भी स्त्री हो जेठानी आदि उनको आप दे सकते हैं। 13 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं और उनके माथे पर बिंदी लगा करके सुहाग की वस्तुएं दे करके विदा किया जाता है। इस प्रकार से करवा चौथ व्रत संपूर्ण होता है। बोलिए करवा चौथ माता की जय। आगे जो लोग भी कहानी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। अगर व्रत के दौरान सुन रहे हैं तो हाथ में 13 दाने गेहूं के ले लें और हो सके तो थोड़ा सा हलवा भी हाथ में ले लें, फिर इस कथा को आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के पहले आपको गणपति देव का ध्यान जरूर करना है, फिर उसके बाद कथा का हम आरंभ करेंगे। बोलिए गणपति देव की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते बाद में स्वयं खाते थे।
एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह कहने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसको अर्घ देकर के ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देकर के भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर के खाना खाने बैठ जाती हैं। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे अपनी पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हुए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। वो पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठी करते जाती है। जितनी चौथ आती है सबसे विनती करती है अपने पति को जीवित करने के लिए, लेकिन सभी चौथ माता उसे कहती है कि वो करवा चौथ को मनाए। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है और जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है और ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे ना छोड़ना, ऐसा कहकर वो चले जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती है लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उनको नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। कथा इसी प्रकार से संपूर्ण होती है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला था वैसे ही सभी सुहागनों को मिले, हमारे सारे परिवार को मिले, बंधु बांधवों को मिले। बोलिए करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ माता आप सभी का सुहाग भाग बनाए रखे, इसी आशीर्वाद के साथ आज के लिए इतना ही। सभी परिवार वाले, सभी नव विवाहितें, सभी सुहागने, बहु बेटियां, बहनों से, सखियों से इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।